हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वेट लॉस की जर्नी में हैं और वेट लॉस से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। 32 बार फॉर्मूला और वेट लॉस के लिए आपको किस तरह का खान पान रखना चाहिए, यही सब चीज़ें, एक्सरसाइज, योगा। तो अभी वही सुबह का समय और हमारा एक्सरसाइज हमारी चल रही है, योगा कर चुके हैं हम। और गाइस, सर्दी आपके यहाँ कैसी पड़ रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ तो काफ़ी सर्दी है। हाँ, बस पूरे दिन में बस यही एक ऐसा मोमेंट होता है जब हमें सर्दी का पता नहीं चलता है एक्सरसाइज के टाइम पे। इनफैक्ट गर्मी लगने लगती है एक्सरसाइज करते करते गाइस। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हो गई हमारी। और गाइस, सर्दियों में वैसे शुरुआत करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगती है, उसके बाद जब भी एक्सरसाइज हम करने लगते हैं ना तो अच्छा फील होने लगता है। तो बस अभी चल रही है ये कुछ योगा से जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज, और इसके बाद में हम पियेंगे अपना लेमन और हनी वाटर, जो कि कंपलसरी है, ज़रूर से ही हम पीते हैं। वेट लूज पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या ना दे रहे हो, बट वो हम ज़रूर पीते हैं। और उसके बाद में 1-1.5 घंटे के अंतर में गाइस, हम एक ग्लास इस तरह का प्लेन वाटर भी पीते हैं गरम। तो वही चल रहा है इस समय, और आप भी गरम पानी ज़रूर से पीजिएगा। अगर आपको अपना पेट कम करना है, पेट का फैट कम करना है, या ओवरऑल बॉडी का फैट जो है वो कम करना है, तब भी गर्म पानी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। तो वही चल रहा है। और पानी पीने से गाइस, सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका सिर्फ वेट लूज़ हो जाएगा, कई प्रकार की बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं अगर आप पानी को अपनी आदत में लेके आते हो सुबह सुबह खाली पेट। तो दोस्तों, आज आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि आप अगर 32 बार फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, 32 बार फॉर्मूला जो है उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं गाइस। दोस्तों, जितना ज़रूरी हमारे लिए खाना खाना होता है ना, उतना ही ज़रूरी उसे ठीक से चबाना होता है। विशेषज्ञों के अनुसार भी भोजन को 32 बार चबाने से खाना आसानी से पच जाता है और आप काफ़ी देर तक इसका स्वाद भी ले सकते हो, सबसे बड़ी बात। तो ये चीज़ हकीकत है गाइस। और आपने कई लोगों को ये एक बात कहते हुए सुना होगा, ये खाने को निगले नहीं, इसको धीरे धीरे चबाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो भी खाते हैं उसका सबसे पहले तो उसका सीधा संबंध आपके पेट से और आपके आंतों से जुड़ा हुआ होता है गाइस, ये हम सभी जानते हैं। तो इसके लिए जो पाचन की जो पूरी प्रक्रिया होती है ना हमारे पाचन तंत्र की, उसे मुँह में चबाने से, ये जो चबाने का जो सिस्टम है ना, इससे शुरुआत हो जाती है इसकी। ये जो प्रक्रिया है डाइजेशन की पहली स्टेज मानी जाती है। तो इसके हिसाब से हमें 32 बार चबाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात, सही तरह से चबाते हुए जब हम भोजन करते हैं ना, तो ये कई टुकड़ों में एकदम से बारीक हो जाता है, और जब ये सलाइवा के साथ मिलता है ना जाके, तो ये एसोफेगस में चला जाता है। एसोफेगस भोजन को आपके पेट तक पहुँचाता है, उसे हम एसोफेगस बोलते हैं। सबसे बड़ी बात, 32 बार भोजन को चबा चबा कर खाने का सबसे बड़ा एक ये भी फ़ायदा है कि आप भोजन का स्वाद देर तक ले सकते हो और आपकी जो डाइट है ना, वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। खुद आप 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाने लगोगे, ये आप खुद कुछ दिनों बाद आप ये चीज़ नोट कर सकते हो गाइस। और एक और बात कि चबा चबा कर भोजन करने से जो आपके दाँत होते हैं ना, दाँतों की सेहत भी बहुत अच्छी रहती है, दाँतों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप ज़्यादा देर तक अगर अपने भोजन को चबाओगे, दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है इससे, ये विशेषज्ञों के द्वारा मानी हुई चीज़ें हैं गाइस। और अच्छी तरह से खाना चबाने पर आंतों में बैक्टीरिया पनपने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो अभी हम पपाया खा रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट में, और बस पानी पिया, और उसके बाद में हमने हनी लेमन वाटर लिया, और उसके बाद में पपाया ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं गाइस। उसके बाद में हम आज छोले बनाने वाले हैं लंच के लिए। तो जो सब खाएंगे वही खाएंगे, बट फिर भी वेट लूज़ होगा क्योंकि 32 बार फॉर्मूले के साथ खाएंगे, इसलिए वेट लूज़ होगा।
और हमारा जो ये जो प्रक्रिया होती है सारी की सारी वेट लूज को लेकर जो कुछ भी हम अपना करते हैं ये 9, 9:30, 10 तक ही रहता है। उसके बाद हम अपनी सिंपल नॉर्मल लाइफ जो हमेशा ही जीते हैं वही जीने लगते हैं, सेम खाना सेम रहना सब कुछ। बस एक चीज़ याद रखते हैं कि हमें 32 बार चबा कर खाना है और थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि हमें पानी कंटिन्यू पीते रहना है। वो कोई भी हो, आपका वेट मेंटेन हो, आपका फिगर अच्छा हो या जो भी हो, आपको उस चीज़ का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वेट लॉस की जर्नी में हो तभी आप ऐसे सोचो, क्योंकि पानी कंटिन्यू पीना आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है, ये आप कहीं भी पढ़ सकते हो। तो बस दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे हीटर लगा हुआ है क्योंकि सर्दी है बहुत ही ज़्यादा, तो आराम से बैठ के काम वाम घर के सारे निपटा के हम नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद ही हमें अच्छा लगता है। गाइस हमने बोला बाहर कैप के बिना नहीं, तो देखिए ये कैप लगाया गया। तो बस दोस्तों इसके बाद हम बनाने लगे यहाँ पे छोले, देख सकते हो आप हमने रात में भिगो दिए थे छोले और अभी हम रख रहे हैं बॉईल होने के लिए। और मेरे दोनों छोटे वाले बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद हैं कि इन्हें अगर हम शायद दोनों टाइम रोज़ रोज़ छोले खिलाएं ना तो भी ये खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है इसलिए हम बहुत ही कम बनाते हैं छोले। और यहाँ पे हम बॉईल कर लेंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ में, और सिंपल जैसे आप सभी बनाते हो उसी तरह से सिंपली बनाते हैं। कभी हम प्याज व्याज कट करके डाल देते हैं और कभी ग्राइंड करके डालते हैं। तो जब तक यहाँ पे छोले बॉईल होंगे तब तक हम अपना मसाला वगैरह तैयार कर लेते हैं। प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च यही चारों चीज़ें ग्राइंड कर लेते हैं और टमाटर जो है उनको हम कट करके डालते हैं और काफ़ी टेस्टी बनते हैं गाइस। मेरे बच्चों को मेरे हाथ के छोले कुछ ज़्यादा ही पसंद हैं, बाहर के छोले जो वो खाते हैं कभी कभी उनसे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चों को ही नहीं मेरी पूरी फैमिली को, सबको ही मेरे हाथ के छोले बहुत अच्छे लगते हैं और जब भी हम घर जाते हैं तो छोले तो ज़रूर ही बनवाए जाते हैं हमसे क्योंकि सबको पसंद हैं मेरे हाथ के छोले। तो प्रॉपर रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं गाइस क्योंकि फिर ब्लॉग हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबा और हमें नहीं ठीक लगता है कि 8, 10, 11 मिनट से ज़्यादा का ब्लॉग आपको दें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मसाला ले लिया है और टमाटर कर दिए अभी साइड क्योंकि इनको कट करेंगे और ये सब हम पीस लेंगे, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च और ये कुछ साबुत मसाले हैं इनको हम ऐड कर दे रहे हैं। इस तरह से काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी की लकड़ी है और 2-3 तेज पत्ते हैं। बस इनको ऑयल में डालने के बाद ये ग्राइंड किया मसाला हमने ऐड कर दिया और मसाला भूनने के बाद इसमें छोले ऐड कर दिए और छोले मसाले ऐड कर दिए, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, मिर्च विर्च आप डाल के और कुछ देर तक इनको भूनना होता है ना तो साथ में सारा मसाला भून लो और बस पानी डाल देते हैं, काफ़ी टेस्टी बन जाते हैं गाइस। तो प्रॉपर तरीके से किसी दिन आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए।